फेस चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, पेपर में आएगा, लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं इसलिए। तो मैं आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाऊंगा, कन्फ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर करे, एक मीडियम चेंज कर रही है, तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट भी हो जाता है। सिमिलरली अगर लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर करे तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है। तो दो केस हैं। ये डायग्राम बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया जिसने बनाया, मतलब इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं, इतनी सही चीज़ बन गई। देखो, आपकी लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास, रेयरर से डेंसर। जो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है उसमें फेज चेंज होता ही नहीं, वो तो अगर क्रेस्ट है तो क्रेस्ट ही एंटर कर जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। अगर आपकी लाइट एंटर करे और वापस आए रिफ्लेक्ट होके, तो याद रखना अगर लाइट का ट्रफ किया था रेयरर टू डेंसर में, रिफ्लेक्टेड लाइट में फेज चेंज ऑफ पाई हो जाएगा, ट्रफ क्रेस्ट बन के बाहर आएगा। ये फेज चेंज इन रिफ्लेक्शन, फेज चेंज होगा, और क्रेस्ट का ट्रफ या ट्रफ का क्रेस्ट बनने का मतलब है फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो आपने लिखना है, वो पूछेगा कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है क्या फेज चेंज होगा? बिल्कुल होगा, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन पाई का चेंज होगा। लेकिन अगर आपकी लाइट ग्लास से एयर में एंटर कर रही है डेंसर टू रेयरर और लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो देखो ट्रफ है तो ट्रफ ही जाएगा, फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कमाल की चीज़ है। तो ये लोग याद कर जाते हैं पाई, पर आपका आंसर जीरो भी हो सकता है और आपका आंसर पाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि रेयरर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयर है। तो रेयरर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रही है तो पाई का चेंज है, डेंसर टू रेयरर रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है कोई चेंज नहीं है। तो आंसर ध्यान से पढ़ना, जीरो लिखना या पाई लिखना एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक? याद रखना।